स्टूडेंट परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दार्थ या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में उसके अर्थ में या मूल शब्द उपसर्ग किसे कहते हैं तो कि जो शब्द है उसके आरंभ में एक शब्द जुड़ जाता है और मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है और उसका अर्थ ही बदल जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यह दो शब्दों का बनेला है। उपसर्ग है यह दो शब्दों का बनेला है। उप प्लस सर्ग के योग से बनता है उपसर्ग। उप का अर्थ है समीप निकट या पास में है और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। किसे कहते हैं तो कि उप प्लस सर्ग ये दो शब्दों से बना है। उसका उप का अर्थ होता है समीप निकट या पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। और पूरे का पूरा उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ये था उपसर्ग। एग्जाम्पल है हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। हार का अर्थ होता है पराजय और उसमें आ उपसर्ग लगने से आहार। हार में आ उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है आहार और प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार। यहाँ पर हार का पराजय हुआ था और आ उपसर्ग लगाने से आहार यानी कि भोजन खाने के बाद जो आहार भोजन खाते हैं वो आहार करते हैं उसे कहते हैं आहार। और प्रहार या किसी पर आप आहार और प्रहार ये दो शब्द नए बने। ऐसे ही हम कई शब्द देखेंगे तो कि उपसर्ग की तीन विशेषताएं कही जाती है। उपसर्ग की तीन विशेषता है। फर्स्ट शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जो शब्द है हमारे पास उसमें नई विशेषता ला देता है उपसर्ग। जैसे प्र प्लस बल इज इक्वल टू प्रबल तो के बल के साथ प्र उपसर्ग जुड़ने से वह बन गया प्रबल। बल का अर्थ होता है शक्तिशाली और प्रबल का अर्थ होता है अधिक शक्तिवान अधिक शक्तिशाली। अनु प्लस शासन इज इक्वल टू अनुशासन और शासन में अनु उपसर्ग लगने से उसका हुआ अनुशासन। शासन या किसी पर शासन करना राज करना और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। ये थे उपसर्ग की तीन विशेषताओं में पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है तो शब्द के अर्थ को उल्टा देना। जो शब्द होता है उसके अर्थ को उल्टा देना यानी कि विरुद्ध होना। जैसे अ प्लस सत्य सत्य यानी सच पर अ उपसर्ग लगने से असत्य यानी कि झूठ का अर्थ उल्टा दिया। अप प्लस यस अपयस यस यानी कि कीर्ति और अपयस अप उसे अप उपसर्ग लगने से यस में क्या हुआ तो के अपयस। ये थी दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता यह है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ के मूलार्थ
जो मूल अर्थ होता है वो इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। इर्द गिर्द यानी कि जो शब्द का अर्थ होता है वही जो उपसर्ग लगते हैं उसका मीनिंग भी यही होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि वी प्लस शुद्ध इज इक्वल टू विशुद्ध, तो शुद्ध का अर्थ ही साफ ही होता है और विशुद्ध का अर्थ ही साफ ही होता है। इसे इर्द गिर्द अर्थ वाले शब्द कहते हैं। परिक प्लस भ्रमण, परिका परि है वो उपसर्ग है और भ्रमण है वो मूल शब्द है, तो उसका अर्थ हुआ परिभ्रमण। तो भ्रमण और परिभ्रमण ये दोनों का अर्थ इर्द गिर्द यानी कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये उसकी तीन मुख्य विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चार भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। हम जब हिंदी बोलते हैं तो हम चार भाषाओं का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हिंदी में ही। कैसे? तो कि संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत में कैसे उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग अनेक अर्थ और उदाहरण, जो हिंदी में अर्थ होते हैं ऐसे ही संस्कृत में, इन दोनों में अर्थ उपसर्ग का एक ही होता है। ऐसे कई उपसर्ग और उसके अर्थ और उदाहरण को हम देखेंगे। तो अति वो शब्द है, उसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार। एग्जाम्पल है अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति। तो अति उपसर्ग शब्द में लगने से काल है, अतिरिक्त है, चार है। दूसरा है अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। उसका एग्जाम्पल है अधिराज, अध्यात्मक, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। तो अधि उसमें अधि शब्द, अधि उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में बदल जाता है। वैसे ही अनु, अनु का अर्थ है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। उसका एग्जाम्पल है अनुज, अनुचरण, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। तो इसमें अनु है वो उपसर्ग है, अनुज यानी कि छोटा भाई। तो ऐसे ही अनु उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। आ, आ का अर्थ होता है और, सीमा, समेत, कभी, विपरीत। और आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण। आ उपसर्ग जुड़ने से उस शब्दों में, तो कि आ उस शब्दों में आ उपसर्ग जुड़ा, इसीलिए ये उसके आम वो शब्द में परिवर्तन हुआ। आमुख यानी कि मेरे सामने, हम कभी बोलते हैं ना कि मेरे आमुख खड़े हो जाओ, तो आमुख आ उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। और अव, अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन। और अव, अवशेष, अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवश औस उपसर्ग जुड़ने से उसकी अर्थ है वो बदल जाता है। उप, उप का अर्थ होता है निकटता, सदस्य, गुण, सहायक, हीनता। उप उसका एग्जाम्पल है उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकुल, अपनिवेश, उपदेश, उपासना, अपभेद इत्यादि। उपनाम तो उप प्लस नाम, तो उपनाम किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल है कि किसी का नाम सुरेश है, तो उसके उपनाम हो सकते हैं लालू, या उसके पिक नाम भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं उपनाम। वैसे ही नी, नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। उसका एग्जाम्पल है निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध
इत्यादि। तो कि दर्श एमा नी उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है कि नी दर्शन निदान ऐसे और नीर उसका अर्थ होता है बाहर निषेध रहित। उसका एग्जाम्पल है निर्भय निरपराध निर्जीव निर्वास निराकरण निर्वाह निर्दोष निरोग निर्मूल इत्यादि। तो के भय भय था वो डर था और निर्भय वो डरहीन यानी कि उल्टा देता है शब्द का अर्थ हमने विशेषता में देखा था। अपराध और निरअपराध निर उपसर्ग लगने से निरअपराध हो जाता है। निर्जीव जीव है वो निर उपसर्ग जुड़ने से निर्जीव बन उसका एग्जाम्पल है पराजय पराक्रम पराभव पराश्रम परामर्श पराभूत इत्यादि। जय और पराजय तो के जय वो विजय है और पराजय है वो हार है ऐसे ही उल्टा कर देता है शब्द को उसे पराजय पराक्रम पराभाव ऐसे परा उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ को उल्टा कर देता है। परी यानी कि आसपास चारों ओर पूर्ण उसका एग्जाम्पल है परिपूर्ण परिजन परिक्रमा परिणाम परिधि इत्यादि। तो के परी उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में आसपास है वो परिवर्तन आता है। ऐसे ही प्र प्र उसका अर्थ होता है अधिक आगे ऊपर यश अर्थ है एग्जाम्पल है उसका प्रबल प्रगति प्रकाश प्रख्यात प्रचार प्रभु प्रयोग प्रसार प्रयास इत्यादि। योग में प्र उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ तो के प्रयोग सार में उपसर्ग प्र उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ हुआ प्रसार। प्रति प्रति का अर्थ होता है विरोध बराबरी प्रत्येक परिवर्तन एग्जाम्पल है प्रतिक्षण प्रतिनिधि प्रतिकार प्रत्यय प्रतिदिन प्रतिकूल प्रत्यक्ष इत्यादि। तो के प्रति उपसर्ग जुड़ने से क्षण में प्रतिक्षण निधि में प्रतिनिधि प्रतिकार में प्रतिकार या प्रति उपसर्ग जोड़ने से उसके अर्थ में विरोध आता है उसे दिन तो के हर दिन और प्रतिदिन तो के प्रत्येक दिन। वी का अर्थ होता है हीनता असमानता विशेषता। बाद विस्मरण विराम वियोग विकार विमुख विनय इत्यादि। तो के वी उपसर्ग जोड़ने से नाश था उसका हो गया विनाश। और विधवा का अर्थ होता है कि जिसका पति मृत्यु पामा मृत्यु हो गया हो उसकी ही पत्नी को कहते हैं विधवा। सम का अर्थ होता है पूर्णता एग्जाम्पल है सहार संयोग संकल्प संतोष संस्कार संरक्षण सम्मेलन संस्कृत सम्मुख सम्मुख इत्यादि। तो के सम परिवार उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में पूर्णता आती है। अन अ और अन उसका अर्थ होता है निषेध के अर्थ में अ और अन है वो निषेध के अर्थ में है। अमोल अनपढ़ अन अजान अथाग अलग अनमोल अनजान इत्यादि। तो के अ उपसर्ग जुड़ने से और अन उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में निषेध आता है। उन एक कम एक और कम एग्जाम्पल है 19 29 49 69 69 इत्यादि। तो के उन उपसर्ग जुड़ने से उसके कम यानी कि परिवर्तन शब्द में आता है। और ओ का अर्थ होता है हीनता निषेध अवगुण अवघट ओसर ओढ़र इत्यादि। तो का ओ उपसर्ग जुड़ने से उसमें निषेधता आती है अर्थ में। दु यानी कि बुरा हीन उसका अर्थ दु का अर्थ होता है बुरा हीन दुकाल दुबला इत्यादि। तो के दु उपसर्ग जोड़ने से उसमें अर्थ में परिवर्तन होता है।
तो ए थे उपसर्ग। थैंक यू।